दर्शनी का टीशा, अजिंक्य दर्शित, वंश, प्रेजेंट सर, मयूर, खुशबू, निराली, लीजा, तनुश्री। ओके, लीजा इज प्रेजेंट। दीप चौधरी, तन्वी, शिवानी, प्रेजेंट सर, कैनिल, संजू, अदिति, जील, अब्बन, प्रेजेंट, अब्बन इज प्रेजेंट। ओके, नाउ एसवीवी स्टूडेंट्स, आदित्य, वर्षिल, खुशी पटेल, यश, प्रेजेंट सर, नील पटेल, भावना शर्मा, प्रेजेंट सर, ध्रुव, प्रेजेंट सर, व्रज, चंदन, व्रुत, अभिषेक, कुश पटेल, प्रियांशी, धार्मिक, लक्ष्य, प्रेजेंट सर, हर्ष, प्रेजेंट सर, नंदनी, प्रेजेंट सर, मनीषा, प्रेजेंट सर, संजना, प्रेजेंट सर, जयवीर, पल्लव, देवराज, हर्षिल, ललित। चलो, कौन रह गया अभी? व्रुत, व्रुत इज प्रेजेंट, अभिषेक पाटिल इज प्रेजेंट, एनीबडी एल्स? किरमी इज प्रेजेंट, आदित्य इज प्रेजेंट, किरमी एंड आदित्य। ओके, और कोई रह गया हो तो बता दो। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध इज ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, दर्शनिका गामित, दर्शनिका गामित, एनी वन एल्स? लेट्स स्टार्ट द क्लास। कल हमने कहाँ तक डिस्कशन कर लिया था? पहले चेक कर लो स्क्रीन, सबको विजिबल है ना? चेक द स्क्रीन, चेक द वॉइस, ठीक है? तो हम ये वाला पार्ट डिस्कस कर चुके थे कल, कॉइल वाला। हमने टॉर्क का कैलकुलेशन कर लिया था, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन फाइव, है ना? यहाँ तक हम डिस्कशन कल कर चुके थे, आज हम इसके आगे वाले स्लाइड से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो
कल की क्लास में हमने देखा था कि टॉर्क का जो इक्वेशन आता है विच इज़ एन आई ए बी साइन फाइव, ठीक है। एन इज़ योर नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज़ द करेंट, ए इज़ द एरिया ऑफ द कॉइल, बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एंड फाइ इज़ द एंगल ऑफ दिस नॉर्मल वैक्टर, और यू कैन से द एरिया वैक्टर, है ना। यू कैन ऑल्सो से द नॉर्मल वैक्टर और यू कैन से द एरिया वैक्टर, मतलब एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बन रहा है। एरिया वेक्टर का किसके साथ एंगल? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, मतलब अगर सपोज करो आपकी कॉइल ऐसे दी हुई है और इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है। हम सबको पता है प्रिंसिपल, तो हम सबको पता है करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड then it will experience net torque, ठीक है। force भी represent करेगी और torque भी, है ना। suppose करो magnetic field आपकी ऐसे pass हो, तो area vector का direction क्या होगा? this is the direction of your area vector, इस area के normal, है ना। this is the direction of your area vector, और इस area vector का जो magnetic field के साथ angle बनता है इसको हम बोलते हैं phi, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? तो इस कॉइल में जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा विच इज एन आई ए बी साइन फाई, ये हम कल डिराइव कर चुके थे, एन आई ए बी साइन फाई, ठीक है। यहां तक सबको समझ आ गया था ना कल? एवरीवन इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट? देखो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? एन आई ए बी साइन फाई, और इसकी जो डायरेक्शन है विच इज़ एन कैप, एन कैप मीन्स इन दिस डायरेक्शन, नॉर्मल टू दिस एरिया, दिस इसी डायरेक्शन को हमने एन कैप बोला हुआ है ना। दिस इज़ द नॉर्मल वेक्टर। अच्छा, कई जगह पे बच्चों का डाउट जो आता है स्केलर्स और वेक्टर्स में, कई बार बच्चों को बहुत बार डाउट आता है, सर स्केलर और वेक्टर में जो एरिया होता है, एरिया को लेके बहुत कन्फ्यूजन रहता है सबको ना, कि एरिया स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। क्या आप में से कोई बता सकता है एरिया कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है? यस, विच टाइप ऑफ क्वांटिटी एरिया इज, स्केलर और वेक्टर? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही सबको? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द वॉइस? नहीं आ रही आवाज़? अरे जल्दी से बताओ मेरे को, पीपीटी के साथ आपका वो क्लिप दिखाई नहीं देगा। अब आइए, हाँ देखो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, बहुत सभी जनों ने वेक्टर ही रिप्लाई किया है ना। अच्छा, एरिया अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का मेरा आंसर करो। चलो ठीक है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है ना, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी है ना, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इस बात पे सब लोग हम एग्रीड है। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है, बट ध्यान से सुनना, ठीक है। स्केलर है, हाँ मेरा एक क्वेश्चन है, आप उसका आंसर करो। तो आप लोग वेक्टर पे एग्रीड हो तो मेरे एक सवाल का जवाब करो, कि हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है। सपोज करो लेट्स से हमारे पास एक क्यूब है और इस क्यूब की साइड लेंथ हमें सबको पता है। सपोज इस क्यूब का जो साइड लेंथ है लेट्स से 1 मीटर है, ठीक है, इसकी सभी साइड्स 1 मीटर की, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि बेटा इस क्यूब का सरफेस एरिया निकाल के बताओ, तो इस क्यूब का सरफेस एरिया आप क्या बताओगे? इस क्यूब के कितने फेस हैं? 1 2 3 4 5 6, हाँ क्यूब है 6 फेसेस। अगर मैंने आपको इसका टोटल सरफेस एरिया बोला,
है ना, अगर मैंने आपको इसका टोटल सरफेस एरिया बोला है तो आप क्या करोगे, सभी सरफेस के एरिया को ऐड कर दोगे, करोगे कि नहीं करोगे, बताओ बताओ। यस हाँ, तो अब बताओ यहाँ पे जब सरफेस एरिया मैंने आपको पूछा तो यहाँ पे भी तो एरिया आया है। अब यहाँ पे जब आप एरिया ऐड करोगे तो यू विल राइट 6a स्क्वायर, यही होता है क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, विच इज 6a स्क्वायर, 6 × 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6 m² अब बताओ एरिया कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा आपको? अरे स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस हाँ, चलो बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, कि एरिया स्केलर है कि वेक्टर है? बहुत सारे बच्चे वेक्टर बोल रहे थे, अभी भी वेक्टर ही बोल रहे हैं, कई बच्चे स्केलर पे आ गए। अच्छा, अभी भी वेक्टर ही है, ठीक है। देखो, एरिया वेक्टर और स्केलर एक तरह से मैं कह सकता हूँ दोनों है, एरिया स्केलर भी है और एरिया वेक्टर भी है। मैं रिजिडली नहीं कह सकता हूँ कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी, हाँ, लेकिन आप लोग अभी 12th क्लास में आए हो तो आपको ऐसा बताया जाता है। देखो, एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे बनता है मैं आज आपको वो बताऊँ। सपोज करो मैंने एक छोटा सा एरिया लिया, ठीक है, एक छोटा सा एरिया लिया और इसका मैग्नीट्यूड है सपोज करो 2 m², ठीक है, छोटे से एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 m². अब मैंने क्या किया, इस एरिया के नॉर्मल एक लाइन ड्रॉ करी, इस एरिया के नॉर्मली मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, मतलब एक वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, इस एरिया के नॉर्मल मैंने एक वेक्टर को ड्रॉ किया, ठीक है, इस एरिया के नॉर्मल मैंने एक वेक्टर को ड्रॉ किया, इसको मैंने नाम दे दिया एन कैप, इस एरिया के परपेंडिकुलर मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया एन कैप। अब एरिया तो आपका स्केलर ही है, देखो यहाँ पे एरिया तो आपका स्केलर क्वांटिटी है ना, ये मतलब एरिया का जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड तो इसका स्केलर, लेकिन मैंने क्या किया, इसको एक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, मतलब मैंने एरिया के नॉर्मल, बड़े ध्यान से सुनना, एरिया तो आपका मैग्नीट्यूड है, ये 2 m², दिस इज़ योर एरिया। अब मैंने क्या किया, इसके परपेंडिकुलर, मैंने इसके एक परपेंडिकुलर एक वेक्टर ड्रॉ किया है ना, एक वेक्टर को ड्रॉ किया और मैंने ऐसा बोला कि ये जो वेक्टर है ना, और इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर विल ऑलवेज गिव अस द डायरेक्शन, मैंने क्या किया, इस एरिया के मैग्नीट्यूड को इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, उसको मैंने डायरेक्शन प्रोवाइड किया, मतलब वेक्टर डायरेक्शन तो वेक्टर का ही है, एरिया का डायरेक्शन नहीं है ये, मैंने एरिया के नॉर्मल एक वेक्टर ड्रॉ किया है, तो ये जो डायरेक्शन है ये इस वेक्टर का डायरेक्शन है, इस एरिया का खुद का कोई डायरेक्शन नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, ये एरिया का डायरेक्शन है, एरिया का डायरेक्शन नहीं है, ये एरिया के परपेंडिकुलर मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया है, उसका डायरेक्शन, समझ आ रही? क्योंकि यहाँ पे देखो, जब हम यहाँ पे सरफेस एरिया निकालते हैं तो हम डायरेक्टली सरफेस के एरियाज को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हम कोई वेक्टर का लॉ नहीं लगा रहे, क्योंकि यहाँ पे हम जो एरिया है खाली उसका मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हम चाहते तो खाली मैग्नीट्यूड कंसिडर कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, उस मैग्नीट्यूड को, उस एरिया को एक नॉर्मल वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, मतलब एक नॉर्मल वेक्टर उसके मैंने ड्रॉ किया और फिर मैंने उस नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन को उस एरिया के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया, तब ये एरिया आपका वेक्टर में कन्वर्ट हुआ, तब ये आपका एरिया जो है वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हुआ। एरिया खुद से वेक्टर नहीं है, बात समझ आ रही है आपको, एरिया कभी भी खुद से वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, अगर खुद से वेक्टर क्वांटिटी होता तो हम यहाँ पे भी उसको वेक्टर की तरह ट्रीट करते, हमने यहाँ पे तो उसको स्केलर की तरह ट्रीट किया, समझ रहे हो आप, डिफरेंस समझ आ रहा है आपको, यहाँ पे तो हमने एरिया को स्केलर की तरह ट्रीट किया और यहाँ पे हमने एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट किया, डिफरेंस को समझो है ना।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एरिया इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बाय इट्सेल्फ, हम उसको नॉर्मल वेक्टर बना के उसके परपेंडिकुलर एरिया के उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तब वो वेक्टर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, खुद से वेक्टर नहीं है ना, खुद से वेक्टर नहीं, वेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है। अब जैसे आप गॉस लॉ में पढ़ते थे तो गॉस लॉ में हमने सब जगह एरिया को वेक्टर क्वांटिटी दिया, चाहे आपका क्यूब का ऐसा सरफेस हो, चाहे क्यूब का ऐसा सरफेस हो, हम क्या करते थे हर सरफेस पे, है ना, जैसे कि मान लो 1 और 2 मीटर है, ये 3 और 4 मीटर है, हम क्या करते थे हर सरफेस पे एक परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करते थे, एक नॉर्मल वेक्टर बनाते थे जो इस एरिया के परपेंडिकुलर होता, और फिर हम इस एरिया के मैग्नीट्यूड को इस एन कैप से मल्टीप्लाई करते थे, तब आपका एरिया वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट होता। मतलब एरिया खुद से वेक्टर नहीं है, जब आप उस पर एक नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करके उसकी डायरेक्शन से उसको मल्टीप्लाई करते हो तब वो वेक्टर में कन्वर्ट होते। बात समझ आ रही है, एरिया इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बाय इट्सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ आ रही बात है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे थे, हम अपने वापस से टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में इसमें कन्फ्यूजन हो गया था, मतलब कई बच्चों ने इस पर लड़ाई भी करी थी, सर यहाँ पे तो हम स्केलर की तरह ऐड करते हैं और यहाँ पे तो हम वेक्टर की तरह ऐड करते हैं, तो एरिया ही होता है, अब उसको कहीं पे स्केलर की तरह ट्रीट करा जाता है, कहीं पे वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, कन्फ्यूजन आता है बच्चों के मन में, तो उसका जो एंटीडोट है, उसका जो सॉल्यूशन है वो यही है कि एरिया इज़ नॉट अ वेक्टर बाय इट्सेल्फ, जैसे ही हम उसको एन कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, हम उसको डायरेक्शन देते हैं नॉर्मल से मल्टीप्लाई करके, तब वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि एरिया इज अ विच क्वांटिटी, तो उसमें स्केलर होगा वेक्टर होगा, तो आपको टिक वेक्टर पे ही करना है, ठीक है, आपको टिक किस पे करना है, वेक्टर पे ही करना, एग्जाम के लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में और वो स्केलर और वेक्टर दोनों ऑप्शन में देता है तो आप वेक्टर पे टिक करो, लेकिन अगर वो जस्टिफिकेशन मांगेगा तो मैंने आपको जस्टिफिकेशन के लिए बता दिया कि इस तरह से इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम क्या डिस्कस कर रहे थे, अपने वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम टॉर्क की बात कर रहे थे, है ना, हम सब ने टॉर्क देखा कि टॉर्क की वैल्यू हमने कल निकाली थी, विच इज़ एन आई ए बी साइन फाइव, एंड टॉर्क इज़ अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हमने इस टॉर्क के मैग्नीट्यूड को देखो, ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड है, इसको हमने एन कैप से मल्टीप्लाई किया। अब ये एन कैप क्या है, वापस ये एन कैप जो है ये वापस एरिया का वेक्टर है, ठीक है, है ना, ये जो डायरेक्शन है एन कैप किसकी है, एन कैप इज़ द यूनिट वेक्टर विच इज़ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप। मतलब अगेन आपका देखो, आपका प्लेन ऑफ लूप जैसा भी होगा उसके जो नॉर्मल वेक्टर होगा दैट इज़ योर एन कैप, ठीक है, तो एन कैप से हमने इसको मल्टीप्लाई करके ये आपका जो टॉर्क है वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते, देखो टाउ इज इक्वल टू एन आई, एन इज कॉन्स्टेंट, आई इज कॉन्स्टेंट, ए क्रॉस बी, ए बी साइन फाई एन कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी, ठीक है, तो एरिया वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, ये टर्म सबको क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमने कल और डिफाइन करी थी, दैट इज़ योर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ते थे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपकी इस तरह से होती थी, है ना, और जैसे हम उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में रखते थे तो वहाँ पे भी एक टॉर्क जनरेट होता था विच इज़ पी क्रॉस ई। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में जो आपका टॉर्क जनरेट होता था वो क्या होता था, पी क्रॉस ई। वैसे ही अब यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ योर एरिया वेक्टर। जैसे कि हमने छोटा सा लूप लिया, इसमें हमने कुछ करंट फ्लो किया और इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस पे रख दिया, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर देखो इधर होगा इसके नॉर्मल, दिस इज़ द एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड सपोज करो इस डायरेक्शन में, दिस इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड,
और दिस इज द एंगल योर फाई, ये आपका एंगल क्या है फाई। तो यहाँ पे हम टॉर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, टॉर्क इज डिफाइंड एज एम क्रॉस बी। जैसे यहाँ पे पी क्रॉस ई करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, यहाँ पे हम कैसे डिफाइन करेंगे एम क्रॉस बी। हाँ यहाँ पे ज़रूर हम एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि एन नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो आपका नेट टॉर्क एन टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सेम आपकी एनालॉजी है, जैसे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ते थे वैसी एनालॉजी यहाँ पे आप मैग्नेटिक डाइपोल में पढ़ते, ठीक है। सबको बात समझ आ रही है किस तरह से हम इसको डील करेंगे। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जो नोट करने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्टिव में आपको किसी ना किसी फॉर्म में पूछे जाएंगे। अब इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखो, इक्वेशन तो आपको पता चल गई है, इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखोगे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने, जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला पॉइंट, द कॉइल विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द टॉप व्यू अकॉर्डिंग टू द फिगर अबाउट एन एक्सिस ऑफ द कॉइल शोन बाय द डॉटेड लाइन। ये तो हमें पता चली गया, हमारी जो कॉइल है इस तरह से रखी गई है, ठीक है, इस तरह से हमने कॉइल को रखा गया और करंट इसमें इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट इस कॉइल में इस तरह से फ्लो कर रहा है। और हम सब ने फोर्स का वैल्यू निकाला ही था, है ना, राइट हैंड थंब रूल लगाओ और मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसी दी हुई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। तो राइट हैंड थंब रूल जब आप लगाओगे तो आई इंटू एल क्रॉस बी करके देखो, आपका जो फोर्स का वैल्यू होगा इसमें ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, इसमें नीचे की तरफ आ जाएगा, इसमें आपका फोर्स क्या आ गया था डॉट, और यहाँ पे आपका फोर्स क्या आ गया था क्रॉस, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो ये वाला फोर्स जो डॉट वाला है बाहर की तरफ और ये वाला अंदर की तरफ, तो अब ये इस कॉइल को कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे, ये तो डायग्राम के ऊपर था। द टॉर्क एक्ट्स इन अ अपवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द डॉटेड लाइन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल स्क्रू रूल, ठीक है। टॉर्क कहाँ एक्ट करेगा, अच्छा टॉर्क का जो वेक्टर होता है, ठीक है, टॉर्क का जो वेक्टर आता है कहाँ से मिलता है हमें, ए क्रॉस बी से, ठीक है, या फिर एम क्रॉस बी से आप बोल सकते हो, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो अब आपको टॉर्क का वेक्टर मिलेगा। तो अगर हमारी कॉइल ऐसी है और उसका जो एरिया वेक्टर है, है ना, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में उसके नॉर्मल, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ए क्रॉस बी जब आप करोगे, है ना, ए क्रॉस बी करोगे तो आपका जो थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा वो डायरेक्शन आपकी टॉर्क की होगी। टॉर्क की डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे, राइट हैंड थंब रूल से, और उसी को हम स्क्रू रूल भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है मैक्सवेल्स का स्क्रू रूल, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैक्सवेल्स स्क्रू रूल। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे आप फाई को जीरो पुट करोगे इस इक्वेशन में तो साइन फाई आपका जीरो हो जाएगा, तो टॉर्क का वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा, है ना। सिर्फ फाई का वैल्यू 90 पुट करोगे तो आपको मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू मिलेगा विच इज़ एन आई ए बी। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर मैक्सिमम टॉर्क, तो मैक्सिमम टॉर्क आप डायरेक्टली निकालोगे नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू पता चल जाएगा। यूनिट्स हम सबको पता है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है टेस्ला, करंट का जो यूनिट होता है एम्पियर, और एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है, टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। द अबव फॉर्मूला फॉर टॉर्क कैन बी यूज्ड फॉर एनी लूप इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप। आप इस टॉर्क का इक्वेशन देखो और इस टॉर्क के इक्वेशन में ऐसा कहीं भी नहीं है कि यहाँ पे ज्योमेट्री पे वो डिपेंड कर रहा है ना। टॉर्क का वैल्यू आपका क्या आ रहा है, एन टाइम्स एम क्रॉस बी, मतलब आप किसी भी शेप की ज्योमेट्री पे इसको अप्लाई कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी कॉइल रेक्टेंगुलर ही होनी चाहिए, आपकी कॉइल सर्कुलर भी हो सकती है, आपकी कॉइल ओवल भी हो सकती है, मतलब कोई भी शेप की हो सकती है, ठीक है। तो द अबव फॉर्मूला फॉर द टॉर्क कैन बी यूज्ड फॉर एनी लूप इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप, मतलब शेप के इरिस्पेक्टिव हम किसी भी शेप पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना। बात समझ आई आपको, ये सारे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट थे वन लाइनर में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो
एक एक लाइन में इस पे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव फ्रेम हो जाते हैं, तो ये इक्वेशन का आपको इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए। टॉर्क की जो इक्वेशन है इसका आपको इम्पोर्टेंस पूरा पता होना चाहिए। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? यस, ऑल ऑफ यू क्लियर अप टू दिस पॉइंट? क्लॉकवाइज का बताना। कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज वाला। ये क्लॉकवाइज आ रहा है? हाँ, ये सिचुएशन के हिसाब से क्लॉकवाइज होगा। उन्होंने जो ऊपर डायग्राम दिया है उसमें एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था, हमारी जो सिचुएशन है इसमें क्लॉकवाइज होगा। डायरेक्शन आप खुद, हाँ डायरेक्शन जो है आप खुद से निकालोगे राइट हैंड थंब रूल लगा के, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी आ सकता है, वो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि वही आंसर आएगा। ठीक, चलो अब मैंने आपको बताया था कि इसका जो प्रिंसिपल है, मूविंग कॉइल, जब हम किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है और वो रोटेट होने लगती है। इसी प्रिंसिपल का हम यूज़ करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, ठीक है, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज सस्पेंडेड गैल्वेनोमीटर और DR स्नॉल। ये इसके अलग अलग नाम है, फालतू की बकवास है और कुछ नहीं, खाली आपको एक नाम याद रखना है, दैट इज़ योर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो प्रिंसिपल होता है उसमें हम यही प्रिंसिपल यूज़ करते हैं कि जब भी हम किसी भी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो टॉर्क को एक्सपीरियंस करती है और जिसकी वजह से वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो दो मैग्नेट के पोल्स लिए, वन इज़ योर नॉर्थ पोल, अनदर इज़ योर साउथ पोल। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑब्वियसली इधर ही होगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इस रेक्टेंगुलर, ये जो मटेरियल है देखो ये एक सॉफ्ट आयरन का मटेरियल है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन का कोर है, इसके ऊपर हमने कॉइलिंग किया हुआ है, मतलब बहुत सारे टर्न्स लगाए हुए हैं, है ना, इस सॉफ्ट आयरन कोर पे हमने बहुत सारे टर्न्स लगाए हुए हैं और इसको हमने हेयर स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, है ना, इस कॉइल को हमने किससे कनेक्ट किया हुआ है, हेयर स्प्रिंग से कनेक्ट किया। अब जैसे ही आपने इसको सर्किट से कनेक्ट किया और करंट का फ्लो किया, है ना, देखो ये बैटरी से यहाँ कनेक्शन है, यहाँ से आपका करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो यहाँ से आपका कॉइल में करंट एंटर करेगा और ये फिर करंट गोल घूम के इस कॉइल से यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही हमें पता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, कि जब करंट कैरिंग कॉइल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब वो एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करती है, बिल्कुल वही प्रिंसिपल हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और उसी प्रिंसिपल की हेल्प से आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस पे जो नेट टॉर्क प्रोड्यूस होगा इस तरह से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और टॉर्क का वैल्यू अभी अभी हम निकाला था, टॉर्क इज़ डिफाइंड एज NIAB साइन फाई। ठीक है, टॉर्क इज़ डिफाइंड एज योर NIAB साइन फाई, हमें टॉर्क की वैल्यू मिल गई। अब हमने जो स्प्रिंग लगाई है यहाँ पे, है ना, जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये रोटेट होगा, मतलब यहाँ पे देखो इसका रोटेशन इस तरह से होगा, है ना, इस तरह से ये जो आपका कॉइल है वो रोटेट होना चाहिए, पर रोटेट होने की वजह से क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है ये इस पे रीस्टोरिंग टॉर्क लगाएगी। यहाँ पे जो हमने स्प्रिंग कनेक्ट की है, जैसे ये मान लो एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करेगी तो स्प्रिंग क्या करेगी, इसको क्लॉकवाइज का एक टॉर्क लगाएगी, मतलब वापस से स्प्रिंग का तो काम ही यही होता है ना, कि वो जो भी उस पर एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है वो उसको इक्विलिब्रियम में लाना चाहेगी हमेशा, है ना, स्प्रिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में लाना चाहेगी। तो स्प्रिंग अपना एक टॉर्क लगाएगी और दैट इज़ नोन एज योर ट्विस्टिंग मोमेंट, है ना, उस टॉर्क को हम ट्विस्टिंग मोमेंट भी बोलते हैं। तो स्प्रिंग का जो टॉर्क होगा विच इज़ इक्वल टू K टाइम्स अल्फा, वेयर K इज़ द रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल ट्विस्ट, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपकी ट्विस्टिंग एंगल में होगी ना, तो K आपका जो कांस्टेंट है विच इज़ द टॉर्क पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट, मतलब इसका जो यूनिट होगा न्यूटन मीटर पर डिग्री, मतलब कितना डिग्री वो रोटेट करेगा, है ना, एंड अल्फ़ा इज़ द एंगुलर ट्विस्ट इन वायर, मतलब कितना एंगुलर ट्विस्ट आपका वायर में होगा, दैट इज़ योर अल्फ़ा। ठीक है, K का जो यूनिट होगा विच इज़ न्यूटन मीटर पर डिग्री, एंड अल्फ़ा का जो यूनिट होगा वो डिग्री में होगा, मतलब तो आप डिग्री डिग्री कैंसिल हो जाएगा ना, तो आपको टॉर्क मिल जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ये इस टॉर्क को बैलेंस करेगा जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया विच इज़ NIAB साइन फाई। ठीक है, ये दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये दोनों बैलेंस करेंगे तो हम इक्विलिब्रियम पे लिख सकते हैं NIAB साइन फाई विच इज़ इक्वल टू K अल्फ़ा। तो यहाँ से हमें करंट का वैल्यू मिल जाएगा विच इज़ K अपॉन NAB साइन फाई इंटू अल्फ़ा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या है,
ये वाले जो गैल्वेनोमीटर में है, इसमें एक प्रॉब्लम है कि हमारा साइन फाई वाला जो फैक्टर है, हमेशा हमारा फाई एंगल जो है चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे आपकी कॉइल घूमती जाएगी, कभी कॉइल आपकी इस पोजीशन पे होगी, कभी कॉइल आपकी इस पोजीशन पे होगी, है ना, तो हमेशा आपका जो एंगल है वो चेंज होता जाएगा। बात समझ आ रही है? एट ईच एंड एवरी पॉइंट आपका जो एंगल है, मतलब जो आपका फाई है, फाई किसका एंगल है? एरिया वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के साथ, है ना, एरिया वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के साथ। हर पॉइंट पे आपका एरिया वेक्टर चेंज होता जाएगा, मतलब क्योंकि ओरिएंटेशन इसका चेंज होता जा रहा है ना, ओरिएंटेशन चेंज होता जा रहा है तो एरिया वेक्टर का भी ओरिएंटेशन चेंज होता जाएगा, मतलब आपका फाई का वैल्यू चेंज होता जाएगा। मतलब आपकी जो करंट है, हर पॉइंट पे आपकी करंट की वैल्यू चेंज होती जाएगी क्योंकि वो साइन फाई पे डिपेंड कर रही है। तो हमें किसी भी तरह से इस फैक्टर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट करने के लिए फिर हमने क्या किया, हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को चूज़ किया। अभी आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है देखो, एकदम स्ट्रेट जा रही है, मतलब नॉर्थ पोल से निकल रही है और साउथ पोल को जा रही है। तो अब हमने क्या किया, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को चूज़ किया। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को हमने इसलिए चूज़ किया, उसके पीछे का कारण है। अब आप देखो, हमने क्या किया, नॉर्थ पोल को इस तरह से कट कर दिया, इस तरह से कॉनकेव शेप प्रोवाइड कर दिया, और साउथ पोल को भी इस तरह से कॉनकेव शेप प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड पास आउट होगी, बड़े ध्यान से देखो, हर पॉइंट पे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियली पास हो रही है ना, मतलब रेडियली पास हो रही है। तो चाहे आपका कॉइल का ओरिएंटेशन कैसा भी हो, चाहे आपकी कॉइल ऐसे हो, चाहे आपकी कॉइल ऐसे हो, मतलब किसी भी एंगल पे आपकी कॉइल होगी, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड उसके प्लेन से ही पास होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी कॉइल का ओरिएंटेशन चाहे ऐसा हो तो भी उसका नॉर्मल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच में जो फाई एंगल बनेगा, हमेशा आपका 90 डिग्री बनेगा। समझ आ रही है आपको? चाहे आपका मैग्नेटिक फील्ड कॉइल का रोटेशन ऐसे हो तो भी आपका जो फाई एंगल होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसे ही बनेगा। आपका जो एरिया वेक्टर अगर मान लो डॉट है तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसी होगी। मतलब कहने का मतलब है हमेशा एक कांस्टेंट एंगल आपको प्रोवाइड करेगी। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का एडवांटेज ये होता है कि हमारा जो साइन फाई वाला फैक्टर होता है, मतलब वो फाई को 90 डिग्री कर देती है, जिससे हमारा साइन फाई वाला फैक्टर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और साइन फाई वाला फैक्टर अगर हमारा एक बार कांस्टेंट हो जाता है तो हमारी करंट की जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट नहीं करती, करंट की वैल्यू जो फ्लक्चुएट नहीं करती। पिछले वाले केस में देखो, हमारी करंट की वैल्यू यहाँ पर फ्लक्चुएट कर रही थी क्योंकि ये साइन फाई पे डिपेंड कर रही। तो साइन फाई का जब फैक्टर आएगा तो करंट आपकी फ्लक्चुएटिंग हो जाएगी ना, मतलब वो फाई तो बार बार चेंज होता जाएगा। तो करंट इज़ नॉट कांस्टेंट, करंट इज़ ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग, तो हमें फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को लगाया, है ना, बात समझ आई। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, हमारा फाई का एंगल 90 डिग्री कर दिया, जिसकी वजह से हमारा साइन फाई कॉन्स्टेंट हो गया, साइन 90 के बराबर। बात समझ आ रही है? तो यहाँ से हमारी करंट की वैल्यू क्या आ गई, देखो, के अपॉन एन ए बी इंटू अल्फ़ा। अब ये हमारे जनरली जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स में यही वाला रिलेशन दिया होता है, क्योंकि वहाँ पे हमने अज्यूम किया होता है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ ऑलवेज रेडियल, ठीक है, दैट इज़ नॉट स्ट्रेट, दैट इज़ ऑलवेज रेडियल, है ना। हमने मैग्नेट को इस तरह से कट किया कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा रेडियल ही जाएगी। बात समझ आई? अच्छा, इस कॉन्स्टेंट को हम बोलते हैं जी, है ना, इस कांस्टेंट को हम के अपॉन एन ए बी वाले फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल जी, ठीक है। वह जी इज कॉल्ड योर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, इसी कांस्टेंट को हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब ये जो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सारे आपके न्यूमेरिकल पॉइंट्स में आते हैं, मतलब क्वेश्चन आपको इस तरह से फ्रेम हो जाते हैं कि कई बार आपको बोलेंगे बेटा फाइंड करो व्हाट इज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट इफ द एंगल ऑफ ट्विस्ट इज गिवन टू यू एंड करंट इज ऑल्सो गिवन टू यू। तो आप डायरेक्टली जी का वैल्यू निकाल दोगे आई बाय अल्फा करके, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको फाइंड करने को आ जाता है। कई बार आपको नंबर ऑफ टर्न्स दिए होंगे, एरिया दिए होंगे, मैग्नेटिक फील्ड दी होगी, करंट दिया होगा, तो डायरेक्टली आप ये कांस्टेंट के से डिवाइड करके गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट निकाल सकते हो। मतलब ये अब डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, सिचुएशन पे, किस तरह से आपकी सिचुएशन, ठीक है, बात समझ आई। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसके बाद एक टर्म और आती है, दैट इज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना, ये सब थ्योरिटिकल एस्पेक्ट है ना, इसमें आपको याद ही रखनी ये चीज़ें। करंट सेंसिटिविटी जब आपको पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए, करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है इट इज़ द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट। मतलब अगर मैं 1 एम्पियर करंट प्रोवाइड करूँगा
तो गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है उसमें कितना डिफ्लेक्शन आएगा, है ना। अगर 1 एम्पियर करंट प्रोवाइड करूँगा, मतलब 1 यूनिट करंट में कितना डिफ्लेक्शन करेगा, दैट इज़ द नोन एज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी से आप समझते ही हो कितना सेंसिटिव है, मतलब कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है उसका जो पॉइंटर है, पॉइंटर पॉइंटर कितना ज़्यादा उसका फ्लक्चुएट करता है, दैट इज़ नोन एज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो सेंसिटिविटी, अल्फा अपॉन आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन ए बी अपॉन के। ठीक है, सिमिलरली वोल्टेज सेंसिटिविटी आप निकाल सकते हो, इट इज़ द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्टेज। तो ये डिफ्लेक्शन हो गया आपका, अल्फा क्या है यहाँ पे डिफ्लेक्शन, और उसको जब आप वोल्टेज से डिवाइड कर दोगे तो आपको सेंसिटिविटी पता चल जाएगी उसकी, है ना। तो एन ए बी अपॉन के आर, बस तो आर का फैक्टर आ जाता है क्योंकि हम सबको पता है ओम्स लॉ से वी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो करंट वोल्टेज निकालना है, करंट हमने निकाल दिया है तो वोल्टेज को आप रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो आपको करंट मिल जाएगा, है ना। ओम्स लॉ का यहाँ पे यूज़ किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये दो थ्योरिटिकल टर्म है, ये आपको एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए करंट सेंसिटिविटी हम किसको बोलते हैं और वोल्टेज सेंसिटिविटी हम किसको बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कम्प्लीट ही है। इसके बाद आ जाता है शंट का कंसेप्ट आ जाता है। शंट का कंसेप्ट मेरे ख्याल से सबने पढ़ रखा होगा, हाँ, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एम मीटर, इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, शंट के कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। शंट से पहले मैं देख लेता हूँ और कोई टॉपिक तो आपका रह नहीं गया, मेरे ख्याल से हमने सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए, है ना। मैग्नेटिक फोर्स हमने क्लियर कर लिया, और फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल भी हमने कर लिया, लॉरेंट्स फोर्स भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सब टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। टॉर्क वाला पार्ट भी हमने कवर कर लिया। ठीक है, अब दो पार्ट रहते हैं आपके, एक तो शंट, शंट वाला कंसेप्ट रहता है बस, और एक एम मीटर और वोल्ट मीटर का डिफरेंस। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हमारा एक चैप्टर रहता है, दैट इज़ योर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर हम करेंगे, और उसमें फिर अर्थ मैग्नेटिज्म भी आपका पार्ट है। वो मैं वैसे एक बार तो आपको पढ़ा ही चुका हूँ, अर्थ मैग्नेटिज्म आप सबने पढ़ लिया है ना, वैसे एक बार तो पढ़ ही चुके हो मेरे ख्याल से। अर्थ मैग्नेटिज्म हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, है ना। अर्थ मैग्नेटिज्म भी मैं पढ़ा चुका हूँ, और मैग्नेटिज्म एंड मैटर भी एक बार हम पढ़ चुके हैं। याद है आपको कुछ कुछ याद है कि भूल गए हो, है बेटा, कुछ कुछ याद है कि सब भूल गए हो, नहीं याद है। चलो ठीक है, अब हम इवनिंग में इसको आगे डिस्कस करेंगे, शंट वाले पार्ट को, और शंट वाला पार्ट फिर हम इवनिंग में डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ताकि हम अगला चैप्टर शुरू कर सकें, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपको फ़ायदा हो रहा है बेटा, दो दो बार हमारा जो टॉपिक का रिवीजन हो रहा है, और एक दो बार आप खुद से भी पढ़ोगे, तो कम से कम 3-4 बार जब आप एक टॉपिक को पढ़ जाओगे तो मेरे को नहीं लगता आप भूल पाओगे उसको, फिर आप भूल नहीं पाओगे कभी, फिर आपको दिमाग में फिक्स हो जाएगा वो, है ना। 2-3 बार जब रिवाइज कर लोगे तो अपने आप आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी वो चीज़। ठीक है, अब हम क्लास को आज यहीं पे एंड करते हैं, इवनिंग में हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, ओके।